कई चीजें तो ऐसी होती है जो हमारे सनातन धर्म में है नहीं, लेकिन धड़ल्ले से चल रही है। अब बताओ नींबू मिर्च कौन से कहां किस शास्त्र में लिखे हैं? लटकाने से नजर नहीं लगती है, पर लोग लटकाते हैं महाराज। मेरी कहूं से मनाही नहीं है, खूब लटकाओ महाराज। कभी कोई घर बन रहा हो तो एक भूत का मुखोटा लगा देंगे सामने, उसे कहते हैं ये नजर, क्या नजरोटा बोलते हैं क्या नजर टोटका बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। बढ़िया सा लगा, एक टायर लगा दिया उसके सामने। लोग कहते हैं कि नींबू मिर्च से किसी की नजर नहीं लगती, किसी का किया कराया नहीं लगता, किसी ने धंधा बांध दिया वो धंधा नहीं बन सकता जो नजर ये नींबू मिर्च लटका देंगे। बहुत से लोग हल्ला मचाते, कितने छोटे स्तर में बंधे हुए हैं हम लोग। अगर ये नींबू मिर्च इतने ही कमाल कर रहे होते महाराज, तो बॉर्डर पर इतने सारे सैनिक क्यों लगे हैं, है ना? उनको नींबू मिर्च अपन टांगते तो किसी भी सैनिक का जीवन खतरे में नहीं होता, कईयों की मृत्यु हो जाती है, और हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, ये जो नकारात्मक चीज है, ये जो नजर उतारती हैं माताएं नमक लेकर के, मिर्च लेकर के, ये सब? मेरे यहाँ होता है, ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। नकारात्मकता शक्ति भी होती है, और किसकी कैसी दृष्टि इसका भी होता है, किंतु किन पर होता है? जो भी सीमित दायरे में जी रहे हैं, केवल अपने तक जी रहे हैं, अभी वो परम चेतना से नहीं जुड़े। और जो परम चेतना से जुड़ जाएं, जिनकी विचारधारा थोड़ी और विराट हो जाए, तो उन्हें किसी की नजर नहीं लगती, नहीं लगती किसी की। अब बताइए कितने उद्योगपति अगर ऐसे करें तो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो सीमित दायरे में नहीं बंधे, अपने मोहल्ला पड़ोस में नहीं बंधे। ऊंची विचारधारा है उनकी, दृष्टि विराट है। जब उस परम चेतना से आप जुड़े हैं, मजाल है महाराज किसी की टोने टोटके की। अगर कोई नींबू मिर्च छोड़ कर जाए ना, तो पर्ची लिखा करो अगले दिन से टमाटर धनिया की व्यवस्था करना भैया, क्योंकि बड़े महंगे हैं बाजार। पर हम तो डर जाते हैं, हम ओझा तांत्रिक इत्यादियों के पास जाएंगे, हे भगवान कैसे हो क्या हो, और यही कहते हैं माना कि वामपंथी होते हैं, माना कि ये तंत्र विद्या इत्यादि होती हैं, लेकिन ये किन पर असर करेंगी? जिनका अभी प्रभु से जुड़ाव नहीं है, लेकिन जो श्री हरि का हो गया, भला किसी की भी महाराज कुदृष्टि हो सकती कि उनके भक्त पर कुछ हो जाए? उसके लिए तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र स्थापित करते हैं। भक्त पे किए हुए कोई भी गलत कार्य अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने भक्त के ऊपर कर दिया, तो उसकी जो शक्ति उसे प्राप्त हुई है, वो उल्टा असर उस पर कर देगी, और साथ में खत्म उसके साथ ही साथ जीवन की उसकी सिद्धि भी गई, ऐसा है। लेकिन ये किस पर है? जो भगवान का हो गया उस पर है। इसलिए हम कहते महाराज काहे को आप छोटे छोटे दायरे में बंधे हैं, आप प्रभु की हो जाए। अब हम प्रभु के हैं तो काहे को डर। तो यहां धारणा अच्छी बना के, मूल्य मान्यताएं अच्छी बनाए, अगर ये मान्यताएं अच्छी हो गई, ये खोखलों से हम दूर हो गए और सत्य की राह पर चलें, तो हमारी मान्यताएं हमारा जीवन सुधार देती हैं। और यदि हम मूल्य मान्यताएं धारणाएं अपनी अच्छी बना के नहीं रखें, बहुत छोटी छोटी धारणाओं में लोग फंसे होते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में।